म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया ने फाइनली अपने घर वालों को अपने बॉयफ्रेंड अक्षय के बारे में बता दिया था और आज अक्षय अपने पिता आलोक के साथ रिया के घर आने वाला था। रिया और उसकी छोटी बहन माया किचन में उनके आने की तैयारियों में लगी थी, तभी वहाँ उनकी माँ सुजाता आती है और बोलती है, रिया बेटा वो लोग आ गए हैं, चलो तुम दोनों भी बाहर आ जाओ चाय नाश्ता लेकर। जी माँ, हम बस अभी आते हैं, आप जाओ बैठो उनके साथ। सुजाता बाहर जाकर अक्षय और उसके पिता से बातें करती है। इतने में रिया और माया चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और रिया नाश्ता टेबल पर रखकर आलोक के पैर छूती है, जिस पर आलोक बोलता है, अरे वाह, तो ये है हमारी होने वाली बहू। अक्षय बेटा, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मुझे तो रिया बहुत पसंद आई। आएगी कैसे नहीं अंकल जी, मेरी बहन लाखों में एक है। अच्छा जी, वैसे ना आप भी कम नहीं है, अपनी बहन की परछाई है। वैसे भाई साहब, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता आप अक्षय के पिता हैं। इस उम्र में भी खुद को इतना मेंटेन किया हुआ है आपने। अरे आंटी जी, आपको नहीं पता, जब मैं कॉलेज में था ना, तब पेरेंट्स मीटिंग में टीचर को लगता था कि मैं अपने पापा नहीं बल्कि अपने बड़े भाई के साथ आया हूँ। अब क्या करे बहन जी, अक्षय की माँ तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी, उसके बाद बेटे की चिंता में ना सही से खाना हुआ ना पीना हुआ, तो उस चक्कर में ना थोड़े पतले हो गए। फिर जब अक्षय बड़ा हुआ तो खुद पर ध्यान दिया और थोड़ी सेहत बना ली। सही है अंकल जी, शक्ल से उम्र का अंदाजा लगाना भी नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, अगर आपको मेरी दीदी पसंद है अपनी बहू के रूप में, तो आज ही सगाई कर दें। नेकी और पूछ पूछ। दोनों परिवार मिलकर अक्षय और रिया की सगाई कर देते हैं और एक महीने बाद शादी का मुहूर्त होता है। इस एक महीने में कई बार शादी की शॉपिंग और दूसरे कामों के चलते दोनों परिवार मिलते रहते हैं और एक दूसरे के घर भी आना जाना होता था, जिसके कारण माया अपनी ही बहन के ससुर पर अपना दिल हार देती है। शादी को अब 2 दिन बचे थे, जिस पर माया संगीत की रात आलोक को अकेले में बुलाती है, जहां आलोक बोलता है, क्या हुआ माया बेटा, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? बेटा या बेटी नहीं हूँ मैं आपकी। देखिए, मैं अभी जो आपसे कहना चाहती हूँ आपको वो ध्यान से सुनना होगा, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या, ये क्या बकवास कर रही हो? देखो ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है, समझी तुम? ये कोई मजाक नहीं है, मुझे आपसे सच में प्यार है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरी बहन के होने वाले ससुर हैं और आपकी और मेरी एज में इतना अंतर है, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे अपना लो। ये कभी नहीं होगा, जाओ यहाँ से, इससे पहले ना मैं तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी माँ और बहन को बताऊँ। आलोक इतना बोलकर जाने लगता है, तभी माया अपने साथ छुपा के लाया हुआ चाकू निकालती है और खुद की कलाई काटती हुई बोलती है, जाओ बता दो, मुझे तुम नहीं मिले तो मुझे जीना ही नहीं है। इतना कहकर वो नीचे गिर जाती है और आलोक घबरा जाता है। वो जल्दी से उसको छुपते छुपाते हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर इलाज तो कर देते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये खुदकुशी का मामला था, जिस पर माया होश में आकर डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर मैंने खुदकुशी नहीं की थी, वो मैं एप्पल काट रही थी और चाकू स्लिप होकर मेरे हाथ पर लग गया, अब मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, मेरी बहन की शादी है। माया के खुद को ठीक बताने पर उसको कुछ ही देर में घर जाने देते हैं और जब वो आलोक के साथ घर आती है तो सभी उसके हाथ पर पट्टी देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ भी हॉस्पिटल वाला बहाना बना ही देती है। अब अगले दिन शादी की तैयारियों के बीच माया आलोक को खुद से शादी करने के लिए मना लेती है और जब रिया अक्षय की शादी हो जाती है तो वहाँ माया भी दुल्हन बनी आती है और सबके सामने बोलती है, इस मंडप में एक नहीं 2 शादी होगी, अभी 1 शादी और बाकी है। ये क्या बोले जा रही है तू, और ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है? क्योंकि मैं भी आज इसी मंडप में शादी करूंगी, वो भी अपने प्यार से, आ जाइए आप। माया के बुलाने पर आलोक दूल्हा बनकर आ जाता है, जिसको देखकर अक्षय और रिया हैरान हो जाते हैं। शादी में आए सभी लोग इधर उधर की बातें बनाने लगते हैं, लेकिन माया सब कुछ नजरअंदाज करके आलोक से सबके सामने शादी कर लेती है। अपनी बेटी की इस हरकत से सुजाता उससे सारे रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन अक्षय और रिया की शादी तो हुई थी और अब अपने घर से विदा लेकर रिया अपने ससुराल आती है, जहां दरवाजे पर पहुंचकर अक्षय बोलता है, रिया माफ करना,
इस घर में तुम्हारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। चलो सीधा अंदर ही चलते हैं। जी अक्षय जी। रिया और अक्षय जैसे ही अंदर आने लगती है तभी अंदर से माया हाथों में आरती की थाल लिए आती है और उनको रोकते हुए बोलती है, रुको बहू रानी, इस घर में अब तुम्हारी सास है जो तुम्हारा स्वागत करेगी। ये क्या बकवास कर रही हो माया, हटो मेरे सामने से, मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना तुमसे बात करनी है। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझे तो एक सास बनने का फर्ज पूरा करना पड़ेगा, आखिर मैं तुम्हारे ससुर की पत्नी हूँ। चलो आओ अक्षय बेटा और रिया बहू, आरती उतरवाओ। माया आरती उतारने लगती है लेकिन तभी अक्षय आरती की थाल पर हाथ मारते हुए उसे गिरा देता है और गुस्से में बोलता है, माया बस बहुत हुआ, मुझे नहीं पता पापा ने तुमसे शादी क्यों की और तुम उनकी पत्नी कैसे बन गई, लेकिन तुम मेरी माँ और मेरी बेबी रिया की सास नहीं हो, समझी। अक्षय की ये बात कुछ दूर खड़ा आलोक सुनता है जो वहाँ आकर अक्षय से बोलता है, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का अक्षय, बोलो मत, मैंने माया से शादी करी है और अब ये तुम्हारी माँ और रिया की सास है। मैं अपनी बहन को अपनी सास नहीं मानती और मुझे अब इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरे लिए मेरी बहन भी मर गई है। गुस्से में रिया और अक्षय अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ ये सब होने के कारण रिया बहुत रोती है और अक्षय उसको चुप करवाता है। अगले दिन सुबह रिया की मुंह दिखाई का फंक्शन था लेकिन इतना सब होने के बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं था नीचे जाने का, पर अक्षय के कहने पर वो तैयार होकर नीचे गई तो नीचे माया पहले से तैयार खड़ी थी। मोहल्ले की औरतें आ चुकी थी और माया अपनी बहन रिया के आने पर सबसे बोलती है, लो आप सबको मेरी बहू का इंतजार था, आ गए मेरी बहू। रिया बहू यहाँ आकर बैठ जाओ। क्यों यहाँ तमाशा करने में लगी हो, जाती क्यों नहीं यहाँ से? तेरी सास हूँ मैं तो थोड़ा तमीज से, अगर तूने सबके सामने मेरी इंसल्ट की तो मैं भी अपना सास वाला रूप दिखा के तुझे सबके सामने जलील करूँगी। दोनों बहनों को आपस में खुसर फुसर करते देख पड़ोसन कमला बोलती है, अरे देखो तो बहन, ये सास बनी है तो कैसे दोनों खुसर फुसर कर रही हैं। सही आलोक भाई साहब का, अपनी ही बहू की छोटी बहन को फंसा लिया। बताओ इस उम्र में अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कराए। आपको क्या दिक्कत है, आपकी बेटी से शादी करी है उन्होंने तो क्या दिक्कत है आपको? और ये मत भूलिए आप मेरे ही घर में मेरी ही पति के बारे में बोल रही हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ मेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए आई है ना, वो ही करिए और जाइए। हमें भी शौक नहीं है यहाँ आने का। चलो बहन, वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करे, यहाँ तो सास बहू दोनों ही एक साथ ब्याह के आई हैं। कमला वहाँ से सभी औरतों को लेकर चली जाती है लेकिन इन सब से रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्यों आखिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा माया, मेरी बहन ही मेरी सास बनकर क्यों आई मेरी जिंदगी में? तुझे सच में पापा जी से प्यार है या बस तूने अपने कुछ समय के आकर्षण में आकर इतना बड़ा फैसला लिया? दीदी तुम अपनी बहन को इतना भी नहीं जान पाई? अरे सच में मुझे आलोक जी से प्यार है, मैंने तुम्हारी शादी की तैयारियों के दौरान जाना कि वो कितने अकेले हैं। बेटी की शादी की तैयारियों में अपनी पत्नी को याद करके कितना रोए, लेकिन उनका सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनना मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उनके अकेलेपन का साथी बनना है, मुझे सच में उनका जीवन साथी बनना है। माया की ये बातें अक्षय और आलोक भी छुप के सुन रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद अक्षय को भी अब लगता है कि उसके पिता को एक साथी की जरूरत है और वो बाहर आकर माया को अपनी माँ तो नहीं लेकिन अपने पिता की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। और आलोक भी समय के साथ माया को अपना लेता है लेकिन रिया अपनी बहन को अपनी सास नहीं बनने देती बल्कि एक बहन की तरह ही दोनों अपने ससुराल में रहती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।